हेलो दोस्तों स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पर दोस्तों आपके निफ्ट कांगड़ा एंड एस यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट आई है तो आइए हम जल्दी से जान लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण इस अपडेट में मेंशन की हुई है देखो दोस्तों आपका निफ्ट कांगड़ा का डिक्लेयर किया गया है रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर स्लैश जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए Guys, यहाँ पर उनका रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था 13 मार्च 2022 को और उसके बेसिस पे कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट इन निफ्ट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर तो गाइस यहाँ पर जिन लोगों को सेलेक्ट किया गया है उनके रोल नंबर नाम और कैटेगरी उन्होंने मैंशन कर दी है गाइस जो अपॉइंटमेंट लेटर है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग का जो रहेगा वो सारी की सारी चीजें उनको अलग से भेजी जाएंगी ठीक है कैंडिडेट्स को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है ऑफर आपको बाद में भेजा जाएगा गाइस बोला है कि जो सिलेक्शन हुआ है इन कैंडिडेट्स का वो उनकी जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हुई है और इंफॉर्मेशन फर्निश्ड uh, फ्यूचर uh, में अगर इनकरेक्ट और फॉल्स फाउंड होती है और कोई ऐसा मटेरियल है जैसा फाउंड होता है कि भाई जो कंसील्ड किया गया है तो उस केस में जो आपका अपॉइंटमेंट है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है विदाउट फर्दर नोटिस गाइज इन केस अगर कोई भी इन एडवर्टेंट मिस्टेक जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस में रहा होगा तो अगर वो डिटेक्ट किया जाता है एट एनी स्टेज इवन आफ्टर इशूइंग एन अपॉइंटमेंट लेटर तो इंस्टीट्यूट अपने पास रिजर्व रखता है राइट टू मॉडिफाई और विथड्रॉ एनी कम्युनिकेशन मेड टू द एप्लीकेंट तो गाइस इस चीज का आपने ध्यान रखना है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट की तो गाइज यहाँ पर उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है और उनकी जो मैनेजमेंट बोर्ड है उनकी मीटिंग के दौरान उन्होंने कुछ स्कोर कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है उनको अप्रूव किया हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इक्वेलेंट एसोसिएट प्रोफेसर इक्वलेंट प्रोफेसर इक्वलेंट एंड डी जो की जो रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए तो गाइज यहाँ पर देखो हम स्कोर कार्ड की बात करें तो आपको कैंडिडेट्स के जो इवेल्युएशन होगा वो आपको कैसे करना है उनके एजुकेशन इसके बेसिस के ऊपर तो यहाँ पर उन्होंने बोल के रखा है कि बीएससी मैक्सिमम मार्क्स 15 मिलेंगे और डिटेल ऑफ मार्क्स भी उन्होंने बोल के रखा है कि अगर स्कोर कार्ड कैसे वहां सेवेंटी परसेंट मार्क्स है तो 70 डिवाइडेड बाय 100 इंटू फिफ्टीन तो इतना मार्क्स आपको मिलेंगे एमएससी की है पीएचडी की है प्री जॉब एक्सपीरियंस है तो उसके मार्क्स हैं तो यहाँ पर गाइस उन्होंने टोटली सौ मार्क्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो यहां से आप कैलकुलेट और चेकआउट भी कर सकते हैं ये वाला स्कोर कार्ड जो है गाइस ये है आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो यहाँ पर भी उन्होंने कैलकुलेशन किया हुआ है मार्क्स का अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक्स और गाइस ये है आपका फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर और इक्वेलेंट के लिए तो गाइज जिस जब भी आप अप्लाई करें तो आप अपना स्कोर जो है वो इजीली यहाँ से इवेल्यूएट कर सकते हैं कि आपको कितना स्कोर यहाँ पर मिलने वाला है और गाइज यहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी शो किया हुआ है फॉर एम्प्लॉयमेंट टू कैटेगरी ए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपको किस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर के वहाँ पर भेजना होगा तो कैंडिडेट को तो ये वाली भी आपने अच्छे से रीड आउट करनी है जब भी इसके तीनों की तीनों पोस्टों के लिए इन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है जैसे कि यहाँ पर हम बात करें प्रोफेसर्स के लिए तो उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट कुछ ऐसे रखा है तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे आपके साथ फॉर्म के फॉर्मेट शेयर कर दिए हैं गाइज जहाँ से आपको ये पीडीएफ अवेलेबल होगी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी तो काइंडली आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड या चेकआउट कर सकते हैं तो गाइज ये थी आपकी महत्वपूर्ण अपडेट निफ्ट कांगड़ा की और आपकी वाई एस की दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट